नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु के बारे में, और एग्ज़ाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीज़ को भी हम बड़े शानदार तरीके से देखेंगे। क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु? दोस्तों, 5 प्रतिरोध या रेजिस्टेंस से बना एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन है, एक क्रम है व्हीट स्टोन ब्रिज। इस तरीके से आपको इसके बारे में हमेशा डायग्राम बना हुआ दिखेगा। 4 प्रतिरोध तो इस तरीके से, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये सी और ये डी। ए और सी के बीच R1 प्रतिरोध जिसको P कह सकते हैं, सी और डी बी के बीच R2 प्रतिरोध जिसको Q कह सकते हैं, ए और डी के बीच R3 प्रतिरोध जिसको R कह रहे हैं, और बी और डी के बीच R4 प्रतिरोध जिसको S कह रहे हैं, ये S है। और सी और डी भुजा के बीच में R5 प्रतिरोध है, और सी और डी वाली भुजा में ही एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर देखिए ध्यान से, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा के बारे में, करंट के बारे में बताता है, और धारा की दिशा को, डायरेक्शन को भी बताता है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देख पा रहे हैं तो इस सर्किट को आप सॉल्व नहीं कर सकते। कारण यह है कि ना तो ये सर्किट श्रेणी क्रम से सॉल्व होगा, ना ही समांतर क्रम से सॉल्व होगा, क्योंकि इस प्रतिरोध की वजह से समस्या है। तो इसके कॉम्बिनेशन को ना तो श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और ना ही समांतर क्रम से या पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस टाइप के सर्किट को सॉल्व कैसे करें? इसका एक तरीका है कि अगर इस वाली भुजा को हटा दिया जाए या R5 को हटा दिया जाए तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और फिर ये आपस में पैरेलल या समांतर क्रम में हो जाएंगे, और अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। इसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज की एक विशेष अवस्था होती है। इस कंडीशन में जो जी है गैल्वेनोमीटर, उसकी सुई में विक्षेप शून्य होता है, और जब इस गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप शून्य हो या गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो शून्य पर हो, इसका मतलब है इस समय ब्रिज या सेतु संतुलन की अवस्था में है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। आपने इधर एक सेल लगा दिया, इस सेल का वोल्टेज V, और यहां से धारा प्रवाहित हो रही है I। एक विशेष अवस्था है जिसमें इस गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो जीरो पर है, मतलब इस भुजा में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और बाकी सभी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था या बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और इस स्थिति में R5 में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आप इस भुजा को हटा सकते हैं, और R1, R2, R3, R4 ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और आपस में समांतर क्रम करके इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो जब संतुलन की अवस्था होगी उस कंडीशन में क्या होगा, आमने सामने वाली भुजाओं का जो अनुपात है R1/R2, R3/R4 बराबर होगा। मतलब व्हीट स्टोन क्रम में, व्हीट स्टोन के कॉम्बिनेशन में अगर सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हो या जो कॉम्बिनेशन है वो व्हीट स्टोन कॉम्बिनेशन हो, तो CD को, C और D जो है प्रतिरोध, उसको आप सॉल्व करते टाइम हटा भी सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही। दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को समझिए, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा भी एग्जाम हो, या तो आपको 5 या इससे ज्यादा प्रतिरोध को इस क्रम में व्यवस्थित करेगा और R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 की वैल्यू बराबर होगी। तो आपको क्या समझना है कि इस तरीके से जुड़ा हुआ जो प्रतिरोध होगा उसमें धारा शून्य होगी, उसको हटा के उस सर्किट को सॉल्व करना है। अगर कई बार वो आपको ये बोले कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस अवस्था में है, तो फिर आपको ये मानना है पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस क्या है, बराबर है। तो व्हीटस्टोन की संतुलन की अवस्था या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब आप समझ गए होंगे। संतुलन की अवस्था में इस गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप 0 होता है, मतलब इस वाली जो आर्म है, ये भुजा है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो सॉल्व करते टाइम इस प्रतिरोध को आप नगण्य मान सकते हैं, हटा सकते हैं, और फिर ये सर्किट आराम से सॉल्व हो सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन एक बेसिक जानकारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पहले तो सर्किट को देखो, सीरीज या पैरेलल या दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करो। अगर नहीं हो रहा है और प्रतिरोध जो है 5 या 5 से ज़्यादा है, तो दिमाग लगाओ कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन है, और व्हीटस्टोन वाली ब्रिज वाली कंडीशन में क्या R1 अपॉन R2 आमने सामने वाली भुजा R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 इनका अनुपात बराबर है। अगर बराबर है तो ये जो बीच वाला तार होगा, बीच वाला प्रतिरोध होगा, उसको आप हटा सकते हैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते टाइम। कैसे हटाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा भी सही, बस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को ऐसे आप समझ लें। अगर यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं है तो R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R1 R4 बराबर है। ध्यान से देखना, R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 बराबर है, या P अपॉन Q R अपॉन S बराबर है। कब? जब इस बीच वाले तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। तो दो बातें हैं, उसको एक दूसरे के अपोजिट है। अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। और अगर ये रेशियो बराबर है तो यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसी कॉन्सेप्ट से व्हीटस्टोन के कैसे भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर देंगे। दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज से जुड़ा हुआ कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उसका भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझें ताकि आने वाले कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट को आसानी से अप्लाई कर सकें। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन में धारा आई का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है और ये एक सर्किट दे रखा है जहाँ पर एक वी वोल्टेज का एक सेल है, ये कुंजी है, यहाँ से धारा आई प्रवाहित हो रही है और इस तरीके से 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और इसमें ये कह रहा है कि इस आई का मान ज्ञात करो और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, हमने देखा कि 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इनको न श्रेणी क्रम संयोजन से सोल्व किया जा सकता है न समांतर क्रम संयोजन से सोल्व किया जा सकता। आप इन दोनों को श्रेणी में मानोगे, इन दोनों को श्रेणी में मानोगे, इन दोनों को श्रेणी में मानोगे, किसको मानोगे? इस तरीके के सर्किट को सीरीज और पैरेलल वाले से सॉल्व नहीं कर सकते। जब आप नहीं कर सकते तो आप सोचो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखते हैं, मान लीजिए आपने इस बिंदु को ए और इस बिंदु को बी मान लिया और इस बिंदु को सी और इस बिंदु को डी मान लिया, और यहाँ से ये ए बिंदु और ये बी बिंदु और ये सी और ये डी 4 बिंदु बना लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है हमें। देखो, ए और सी के बीच 4 ओम का प्रतिरोध है,
सी और बी के बीच 2 ओम का प्रतिरोध है, ए और डी के बीच 6 ओम का प्रतिरोध है, बी और डी के बीच 3 ओम का प्रतिरोध है और सी और डी के बीच 4 ओम का प्रतिरोध है। इस सर्किट को हमने ऐसे बनाया तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। और मान लीजिए इसको हमने पी, इसको क्यू, इसको आर और इसको एस मान लिया। अब देखिए यहां तक सॉल्व करने के बाद प्रतिरोधों के संयोजन से हमें पता लगा कि आमने सामने वाली भुजाओं का अनुपात पी बटे क्यू आर बटे एस, पी बटे क्यू आर बटे एस, पी का मान 4, क्यू का मान 2, 4/2, आर बटे एस 6/3। इसको सॉल्व करेंगे ये भी 2, इसको सॉल्व करेंगे ये भी 2। आमने सामने वाली भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो क्या हो गया, बराबर आ गया। और याद कीजिए अगर पी बटे क्यू और आर बटे एस बराबर है इसका मतलब ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। और बैलेंस कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि सी और डी वाली भुजा में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इस प्रतिरोध को हटा दो, तो मैंने देखो ये वाला प्रतिरोध हटा दिया, बाकी रख दिया। अब ये सर्किट आराम से सॉल्व हो जाएगा। 4 और 2 किस्में हैं श्रेणी क्रम में, 6 और 3 किस्में हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं तो 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आपको याद होना चाहिए 1/RP 1/6 + 1/9 LCM 18 ले लिया, 3 + 5 और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 18/5 आ गया। क्यों? क्योंकि 1/RP की वैल्यू 5/18 है तो RP की वैल्यू 18/5। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 18/5। ये तो R की वैल्यू है, तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमसे क्या पूछा है, I की। तो आप याद करें ओम के नियम से V बराबर IR होता है, I निकालना है तो V/R। V मान नहीं दे रखा, V दे रखा है, बटे यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला है समांतर क्रम में जोड़ के 18/5। तो R इक्विवेलेंट 18/5, 5 ऊपर चला गया और I बराबर 5/18 V और आंसर कौन सा हो गया, D। इस तरीके से मीटर ब्रिज के जो क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। सर्किट कैसा भी दिख रहा हो 5 या 5 से ज्यादा प्रतिरोध है, सीरीज और पैरेलल दोनों से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आपको उसको व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन में लाना है और उसके बाद चेक करना है क्या आमने सामने वाली भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है। अगर बराबर है तो ब्रिज बैलेंस या संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस वाली भुजा को हटा देंगे और फिर नॉर्मल जो आप सर्किट सॉल्व करते हैं उस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पर आपको V बता रखा है। इस तरीके से हमने धारा का मान कैलकुलेट कर लिया। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आने वाले क्वेश्चन में केवल आपको अप्लाई करनी है चीज़ें, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो ताकि जो आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आप आराम से समझ सकें। व्हीट स्टोन ब्रिज से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देखिए। आपके सामने प्रतिरोधों का एक संयोजन है, ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करो। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और इस तरीके का सर्किट है। अगर आप इसको देखेंगे तो न तो आप श्रेणी क्रम न ही समांतर क्रम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन बिल्कुल स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये बिंदु ए है और ये बी है, यहां पर इस बिंदु को सी मान लो और इसको डी मान लिया। एक बात याद रखें, जब भी मान लो यहां से यहां तक कोई पॉइंट बोला जाए तो
जो विभव इसका है वही विभव इसका होगा, भाई बीच में ना प्रतिरोध है ना कोई सेल है, तो फिर इन दोनों बिंदुओं का विभव समान ही होगा। बात समझ रहे हैं? सर्किट में या प्रतिरोधों के संयोजन में अगर आपको दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों के मध्य ना प्रतिरोध बता रखा है ना ही सेल बता रखा है, इसका मतलब दोनों बिंदुओं का विभव समान है। मतलब इस जो यहाँ का विभव है वही यहाँ का विभव है, ऐसे ही जो यहाँ का विभव है वही यहाँ का विभव है। कहने का मतलब ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है, क्योंकि ए जैसा ही विभव यहाँ पर होगा। इस बात को ध्यान में रखें। अब देखो ये ए, ये बी, ये सी, डी, ए और सी के बीच कौन सा है? 2 ओम का प्रतिरोध। सी और बी के बीच 4 ओम का प्रतिरोध। बी और डी के बीच 2 ओम का प्रतिरोध। ए और डी के बीच 1 ओम का प्रतिरोध और सी और डी के बीच 2 ओम का प्रतिरोध। इस तरीके से इस संयोजन को बना दिया। अब आपको पता है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है कि, लेकिन क्या ये बैलेंस कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में है? तो पी बटे क्यू आर बटे एस, पी बटे क्यू 2/4, आर बटे एस 1/2, ये भी 1/2 हो गया। दोनों को काटने पर आंसर 1/2 आ रहा है, बराबर है। इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। सॉल्व करते समय इस 2 ओम के प्रतिरोध या भुजा सीडी में प्रवाहित धारा 0 होती है, इसलिए इस 2 ओम के प्रतिरोध को हटा सकते हैं। तो इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में, 2 और 4 6 हो गए, श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ जाते हैं, 1 और 2 3 हो गए। अब ये समांतर क्रम में है, 1/RP 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम 6 ले लिया और 1+2 1/RP बराबर 3/6, RP निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 6/3, और तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। ये तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, वरना एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है, अच्छा 5 प्रतिरोध है, श्रेणी और समांतर दोनों संयोजन से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पी बटे क्यू आर बटे एस 1/2 बराबर है, ये भुजा हटा देंगे, इसके बाद 2 और 4 6, 1 और 2 3, 1/6 प्लस 1/3, 3/6 उल्टा करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। ये इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आए कि व्हीट स्टोन ब्रिज से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। कॉम्प्लेक्स भी कोई चीज़ आए उसका पैटर्न आपको सही से समझ में आए, इसलिए मैं एक एक चीज़ क्लियर कट तरीके से बता रहा हूँ, वरना इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पी बटे क्यू आर बटे एस कट किया, इसको हटा दो, सीधा जोड़ दो, 6/6 और ये 3, 1/6 प्लस 1/3 आंसर। समांतर क्रम में है कौन कौन से प्रतिरोध, 6 और 3, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं और आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज 5 या 5 से ज़्यादा प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े हुए हो कि आप उनको सीरीज या पैरेलल दोनों ही तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप चेक करें क्या वो व्हीट स्टोन कंडीशन में है, और फिर पी बटे क्यू और आर बटे एस ये बराबर हो, इसका मतलब वो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में है। जो बीच में प्रतिरोध होगा उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये हम पढ़ रहे हैं और इससे न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए। व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब R1/R2 बराबर R3/R4 या P/Q बराबर R/S होता है। मान लो हमें इसको प्रूव करना है तो कैसे करें, देखिए इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको ओम का नियम V=IR, किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, ये सिंपल सी बात पता हो और थोड़ी बहुत मैथमेटिकल अप्रोच आपके दिमाग में हो तो आप आराम से इसे प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, यहाँ पर एक सेल है, यहाँ से धारा आ रही है I, याद करिए ये बिंदु A है,
ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी। आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, यहाँ से ये I धारा जो आई वो दो भागों में बट गई, इधर वाली को I1 और इधर वाली को I2 कह रहे हैं। यहाँ से धारा C बिंदु पर पहुँच गई। अब आप जानते हैं कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो इधर धारा नहीं आएगी, यहाँ जो धारा होगी उसका मान जीरो, I1 पूरी की पूरी इधर चली जाएगी, तो ये I1, ऐसे ही I2 पूरी की पूरी इधर, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होगी नहीं, तो ये I2 और ये दोनों मिलके वापस क्या हो गई, I। सर्किट में आपको जब धारा के बारे में बताना हो तो बैटरी से जितनी धारा निकल रही है उतनी ही वापस आ जाए, मतलब आपने सही डिवाइडेशन किया है। इस तरीके से आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, धारा के बारे में चीज़ें समझ ली है। अब आप जानते हैं कि सेल के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है सेल से। सेल या बैटरी क्या करती है, किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करता है। अब ये सेल इन दो सिरों के बीच लगा है, ए और बी के बीच। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेल का जो भी विभव होगा वो इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देगा, कुछ विभव यहाँ और कुछ विभव यहाँ। मान लीजिए सेल ने इस ए बिंदु पर विभव उत्पन्न किया वी ए और बी बिंदु पर किया वी बी। इस तरीके से ए बिंदु पर वी ए विभव पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी। गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप शून्य आ रहा है, इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और सी डी में प्रवाहित धारा को अपन क्या मान रहे हैं, शून्य मान। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विभव वी ए और इसका वी बी। मान लीजिए इसका विभव हम क्या मान रहे हैं, वी सी, सी बिंदु पर विभव वी सी और डी बिंदु पर विभव वी डी। भुजा सी डी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका पता हमसे इस बात से भी लगा सकते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में है तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। और अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब उनके सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, शून्य है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लें। मान लो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ये भी तो कह सकते हैं कि दोनों सिरों का विभव बराबर है। जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जितना विभव इसका है उतना ही विभव इसका होगा, सिंपल सी बात है। वी सी बराबर क्या लिख दें, वी डी। ये देख लीजिए, अब कोई भी इक्वेशन हो उसमें दोनों तरफ समान संख्या जोड़ दें या समान संख्या घटा दें, या उस इक्वेशन को दोनों तरफ समान संख्या से घटा दें, और या जैसा भी दोनों तरफ सेम हो जाए, तो देखो हम जानते हैं दोनों तरफ वी ऐसे घटाने पर यहाँ से, क्योंकि यहाँ का विभव ज़्यादा है तभी तो धारा इधर जा रही है, धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर जाती है, तो वी सी बराबर वी डी लिखा और इसको वी ऐसे घटा दिया, तो वी ए माइनस वी सी और वी ए माइनस वी डी। ए और सी दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या हो गया, वी ए माइनस वी सी, और तार के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा, तो I1 R1। ऐसे ही VA VD I2 R3। ऐसे ही VC बराबर VD में दोनों तरफ हम VB को क्या कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि VB ये दोनों का प्रति, इन दोनों का विभव तो बराबर है तभी तो इस चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, लेकिन VB से ज़्यादा है तभी तो धारा इधर बह रही है। VB का जो विभव है वो VC और VD से कम है, तो VC बराबर VD लिखे और VC में से भी VB माइनस कर दो और VD में से भी VB माइनस कर दो। देखो ये माइनस कर दिया, VC माइनस VB क्या होगा, I1 R2, VD माइनस VB क्या होगा, I2 R4। ये देखो इक्वेशन टू,
फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का भाग देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, आई वन से आई वन कट गई, आई टू से आई टू, आर वन अपॉन आर टू, आर थ्री अपॉन आर फोर आ गया। और आर वन को अगर पी माने, आर टू को क्यू, आर थ्री को आर और आर फोर को एस, तो पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस भी हो गया। संतुलन की अवस्था में आर वन बटे आर टू, आर थ्री अपॉन आर फोर होता है, ये हमने प्रूव कर दिया है। और प्रूव करने का तरीका भी सबसे सिंपल तरीका, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया, बिल्कुल बेसिक बात से शुरुआत की कि इस चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो दोनों सिरों का विभव समान है, VC बराबर VD लिख दिया। एक बार V ऐसे इसको घटा दिया, एक बार इसको घटा दिया, वहाँ से ओम के नियम से समीकरण बना ली, फिर VC बराबर VD इसी इक्वेशन में, VC में से एक बार VB को घटा दिया, VD में से एक बार VB को घटा दिया, वहाँ से इक्वेशन ये आ गई, पहले इक्वेशन में दूसरी का भाग दे दिया और सिंपल तरीके से P बटे Q बराबर R बटे S आ गया। इस तरीके से व्हीटस्टोन अगर बैलेंस कंडीशन में है तो उसकी इक्वेशन को मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। एग्जाम में आपसे प्रूव नहीं करके पूछा जाएगा, लेकिन इस प्रूव को करने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स और करंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने अप्लाई किए हैं, वो आपको समझ में आने ज़रूरी है। और इस प्रूव करने के प्रोसेस को आप बार बार देखो कि वास्तव में ये हुआ कैसे। सबसे सिंपल बात है, ये देखो यहाँ पर VC बराबर VD और इसमें से दोनों तरफ VB माइनस कर दिया, दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। पहले वाली थी, दूसरे वाली का भाग दे दिया, R1 बटे R2 बराबर R3 अपॉन R4 आंसर आ गया। दोस्तों अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में है, तो आप जानते हैं R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, P बटे Q बराबर R बटे S। इसको हमने अभी प्रूव किया था सिंपल ओम के नियम और बेसिक मैथमेटिक्स हैं। अब देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ए बिंदु, बी बिंदु, सी और डी। आई धारा आ रही थी, दो भागों में बट गई, आई वन और आई टू यहाँ से गई। इस वाले वायर में धारा प्रवाहित होती नहीं है तो आई वन सीधा इधर गई, आई वन और आई टू भी इधर, और दोनों मिलके वापस आई हो गई। प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 है। गैल्वेनोमीटर में सुई जीरो पर होगी, इसी कंडीशन को बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है CD में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है या गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप जीरो आ रहा है। एक और तरीका है इसको प्रूव करने का, मान लो आपके पास ये एक बंद लूप है, इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। किरचॉफ के वोल्टता के नियम से हमने अच्छे से केवीएल पढ़ा है, शुरू करते हैं यहां से। बंद लूप है ए सी डी ए, धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हमने केवीएल में अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो आई आर को नेगेटिव, तो नेगेटिव आई वन आर वन। फिर इधर इसमें धाराएं प्रवाहित नहीं हो रही, जब आई का मान ही जीरो है तो आर से कोई मतलब भी नहीं है, गुणा होते ही जीरो, तो ये पूरा जीरो लिख दिया मैंने। इधर धारा इधर आ रही है और हम इधर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो आई आर को पॉजिटिव मानते थे, आई टू आर थ्री प्लस में बराबर जीरो, क्योंकि इस बिंदु पर पहले शुरू हुए थे, इसी पर वापस आ गए, इसलिए विभवांतर क्या हो गया, टोटल जीरो। अब इसको मैंने यहां लिख दिया, अगर ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएंगे, आई वन आर वन बराबर आई टू आर थ्री, पहली इक्वेशन। इधर भी एक बंद लूप है, सी बी डी सी, चलिए
धारा की दिशा में चल रहे हैं, माइनस आई वन आर टू, फिर उसके बाद धारा के विपरीत चल रहे हैं, प्लस आई टू आर फोर, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो होगा बराबर ज़ीरो। ये इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस आई वन आर टू बराबर आई टू आर फोर इक्वेशन टू। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड्स का भाग दे दो तो क्या होगा, I1 R1 बटे I1 R2 बराबर I2 R3 बटे I2 R4 कट गया, और वही इक्वेशन वापस आ गई, P बटे Q R बटे S बोल सकते हैं इसको। दो तरीके से मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में है तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनके प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, ये प्रूव करके बता दिया है। न्यूमेरिकल भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ओम के नियम से भी प्रूव करके बता दिया है, और केवीएल किरचॉफ के वोल्टता नियम से भी बैलेंस कंडीशन में आर वन बटे आर टू बराबर आर थ्री बटे आर फोर होता है, ये अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। ये प्रूव करने के पीछे रीज़न ये है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें ताकि न्यूमेरिकल में भी अगर वो अप्रोच आए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए, कई बार सर्किट को देखकर आपको लगेगा कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, लेकिन याद रखें पेशेंस के साथ मैंने आपको कहा पांच या पांच से ज़्यादा प्रतिरोध है, उनको आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार उनको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये सर्किट है, प्रत्येक प्रतिरोध आर ओम है, प्रदर्शित संयोजन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, चार ऑप्शन आपके सामने। ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। हमने क्या किया है, यहां पर दो बिंदुओं को, इसको सी और इसको डी बोल दिया। फिर देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में ए और बी, इसको सी और डी बोलते हैं। ए और सी के बीच कौन है, आर। ए और डी के बीच कौन है, आर। सी और बी के बीच कौन है, आर। उसके बाद डी और बी के बीच कौन है, आर। और सी और डी के बीच भी कौन है, आर। अब ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। आप जानते हैं कि अगर R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 हो तो फिर ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा, और ब्रिज संतुलन की अवस्था में है इसका मतलब C और D भुजा में धारा प्रवाहित नहीं होगी, इस रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब सबका मान R R है तो सिंपल सी बात है बराबर ही होगा, इसका मतलब ये इस नियम का पालन कर रहा है और संतुलन की अवस्था में है, इस आर प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना आसान हो गया, इसको हटा दो, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, देखिए दोनों श्रेणी क्रम में 2R, ये दोनों श्रेणी क्रम में 2R, अब इनको समांतर क्रम में मान लो और तुल्य प्रतिरोध आर पी 2R बटे 2R, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R ओम आ गया, आंसर R। देख लो सर्किट को देख के डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ोगे कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, और केवल ऐसे डरावना समझ के ही चीजों को छोड़ते जाओगे। जब छोटी चीजें आप पढ़ते हैं, बेसिक चीजें आप पढ़ते हैं, तब आपको लगता है कि यह तो हमको आती है, जब उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि हमारे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है। इसलिए बेसिक चीज़ों को पकड़ के रखो, कैसा भी क्वेश्चन हो। अब तक मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से जो क्वेश्चन बताए हैं कुछ भी नहीं करना है, जो भी सर्किट है उसको ऐसे कन्वर्ट करके सिंपल, पहले दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, फिर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ गया। अगर वोल्टेज दे रखा है, धारा पूछा है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। संतुलन की अवस्था में ऐसा होता है, या ऐसा हो तो ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है, और इस बीच वाले तार में धारा प्रवाहित नहीं होती, तो सॉल्व करते टाइम इसको हटा लेते हैं।
और वास्तव में यही प्रॉब्लम कर रहा था इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो संतुलन की अवस्था लाकर इसको हटा लिया जाए ताकि इस सर्किट को आसानी से सॉल्व किया जा सके। व्हीटस्टोन ब्रिज से ही जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन देखिए। आपके पास ये सर्किट है और ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। इसको भी सॉल्व करने के लिए ये ए और ये बी, इसको सी और इसको डी मान लिया। अब देखिए वही ए बी सी डी, ए और सी के बीच है आर, उसके बाद सी और डी के बीच है आर, ये सी और ये इधर कोई प्रतिरोध नहीं है तो ये सारा बी होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर सर्किट में दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध दे रखा हो या सेल दे रखा हो तो ही विभव बदलेगा। तो यहाँ पर बी है, ये भी वी बी, ये भी वी बी और सब वी बी है। तो देखो सी और किसके बीच, डी के बीच है आर, ए और डी, ए और डी के बीच भी है आर और डी और बी के बीच भी है आर, लेकिन ए और बी के बीच भी आर प्रतिरोध है, बस ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब आप देखिए अगर इस तार को अलग रखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और संतुलन की अवस्था में है, तो इस तार में तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, और अगर इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा, ये दोनों किसमें आ गए श्रेणी क्रम में 2R, ये किसमें हो गया R और ये दोनों किसमें हो गए 2R, और समांतर क्रम में 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, 2R LCM ले लिया और सॉल्व करने के बाद तुल्य प्रतिरोध R बाई 2 आ गया। एक और सर्किट देखिए। ये जो सर्किट है इनको देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने सर्किट को देखा, इसको दो पार्ट में देखो। मान लो ये है, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जो संतुलित अवस्था में है, इसका मतलब इस प्रतिरोध में भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर इसको देखोगे, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है जो संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब इस प्रतिरोध में भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो फिर आराम से इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो 2R और 2R कितना हो गया 4R, R और R स्मॉल R कितना हो गया 2R और ये भी कितना हो गया 4R। समांतर क्रम में लिखेंगे 1/4R 1/2R प्लस 1/4R LCM 4 कैपिटल R स्मॉल R, इसमें 4R का भाग देंगे तो R बचेगा, इसमें 2 स्मॉल r का भाग देंगे तो 2r बचेगा प्लस r, सॉल्व किया 2r प्लस 2 कैपिटल r बटे 4 कैपिटल r स्मॉल r। अब क्या करना है, 2 कॉमन ले लिया और r प्लस r हो गया। अब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ये वैल्यू किसकी है 1/rp की, अब rp की चाहिए तो उल्टा हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा दो बार, 2r स्मॉल r अपॉन में R प्लस स्मॉल R, ये क्या हो गया P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध हो गया। अगर इन प्रतिरोधों के मान भी होते तो भी हम आसानी से निकाल सकते थे। तो दोस्तों ये थे व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज संतुलन की अवस्था में हो तो R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 होता है, या अगर सर्किट में पहले से ही R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 हो तो ब्रिज बैलेंस इक्वेशन में होगा और इस वाले वायर में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और व्हीटस्टोन ब्रिज से न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके के भी और कॉम्प्लेक्स तरीके के भी, सब कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते वीडियो को आपने ध्यान से देखा हो, अच्छे से नोट्स बनाए हो और बार बार इसको रिवाइज किया हो। कोई भी चीज़ हो उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो और अपनी तैयारी का शानदार बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।